और गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, वणक्कम, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पीवी ट्रिप ब्लॉग्स में। और आज मैं पहुंच गया हूं राजस्थान के एक बहुत ही खूबसूरत और सुंदर डेस्टिनेशन अजमेर में। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा अजमेर के क्या टूरिस्ट डेस्टिनेशन पॉइंट है और पुष्कर में आप क्या क्या देख सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक, मैं ऐसी और भी खूबसूरत आपको चीजें दिखाने वाला हूं इस वीडियो में। और आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं पीवी ट्रिप ब्लॉग्स। और आइए मेरे साथ घूमिए पुष्कर और अजमेर। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था, हम निकल चुके थे बीकानेर से और नागौर और पुष्कर होते हुए पहुंच गए थे अजमेर। और अजमेर में हमने कवर की थी वहां की लोकल टूरिस्ट डेस्टिनेशन पॉइंट। अगर आपने वो एपिसोड हमारा नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में, आप वहां से वो हमारा एपिसोड देख सकते हैं। तो इस सेकेंड एपिसोड में हम चलेंगे अजमेर से पुष्कर और देखेंगे वहाँ की लोकल टूरिस्ट डेस्टिनेशन पॉइंट और जानेंगे पुष्कर की कहानी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे इस चैनल को, लाइक और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। और आइए चलते हैं पुष्कर। अजमेर से पुष्कर की दूरी केवल 15 किलोमीटर की है और अजमेर से पुष्कर आप आसानी से लोकल ट्रांसपोर्ट जैसे कि लोकल बस, टैक्सी और ऑटो रिक्शा से जा सकते हैं। पुष्कर में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, पुष्कर का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन अजमेर का ही है और पुष्कर का नियरेस्ट एयरपोर्ट किशनगढ़ में है। राजस्थान की राजधानी जयपुर से पुष्कर की दूरी करीब 150 किलोमीटर की है। पुष्कर में रहने के लिए आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ बड़े बड़े रिजॉर्ट्स भी हैं तो छोटे छोटे लॉजेस भी हैं। इसके अलावा यहाँ बजटेड होटल्स और काफ़ी हॉस्टल्स भी है। तो फाइनली पहुंच गए हैं अब हम पुष्कर और गाड़ी हमने कर दी है एक जगह पार्क। काफ़ी छोटी छोटी गलियां थी और अब हम यहाँ पहुंच गए हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ के प्रसिद्ध पुष्कर सरोवर में और फिर जाएंगे यहाँ के ब्रह्मा जी के मंदिर में। तो आइए चलते हैं, पहले जान लेते हैं पुष्कर की क्या है कहानी। दो मिनट का जानकारी सुनिए, बताइए। ये श्रीमान जी पुष्कर रास है, ब्रह्मा जी का धाम है, इसके लिए लाखों पब्लिक आती है, इसके पीछे हजारों पब्लिक आती है। पुष्कर मेला लगता है नवंबर में, दीपावली के 10 दिन बाद में, ग्यारह से लेके पूर्णिमा तक 5 दिन का मेला लगता है। मेले में लोग स्नान वगैरह करते हैं, जो स्नान नहीं करते हैं वो पंच स्नान करते हैं, आँखों के, कानों के, मस्तक के, शरीर के सीते वगैरह लगा के वो स्नान के बराबर स्नान हो जाता है पंच स्नान। जो साधु संन्यासी लोग होते हैं वो पहले मंदिर जाते हैं, अपन ग्रह से बाल बच्चे ले आते हैं, पहले ब्रह्म कुंड जाके उसके बाद में मंदिर जाते हैं। जिसलिए आप लोग आते हैं पुष्कर चलो, पुष्कर चलो। पुष्कर जी में यहाँ कोई मंदिर नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई प्रतिमा नहीं है। पुष्कर एक जल का नाम है, जैसे गंगा यमुना सरस्वती का जल है, जैसे पुष्कर जी का जल है। अपने हिंदुओं में तीन देवता बड़े हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा जी का धाम पुष्कर सरोवर, विष्णु का धाम गया, शिव का धाम काशी बनारस। सचिव में कोई ब्रह्मा जी का कोई धाम नहीं था, जब विष्णु का उनके पास गए, प्रभु मेरा कोई भी धाम नहीं है, मेरा भी कोई धाम होना चाहिए जो कलयुग में मेरी पूजा हुई। जब विष्णु का के नावे से कमल का फूल निकला, पुण्य का ब्रह्मा को दिया, ब्रह्म लोक से फेंकना, वो ब्रह्म लोक से फेंकते हैं पूरी ब्रह्मांड की परिक्रमा करके, ये बीच में मंदिर है जल के अंदर एक कमल का फूल यहाँ पे आके गिर जाता है, गिरने से सात पता सेदन होके ऑटोमेटिक जल निकल आता है, अंदर गांव से जल निकला हुआ है। तो उसको शुद्धि करने के लिए ब्रह्मा जी हवन कराने की बोले, कोई भी शुभ कार्य होता है, पूजा हवन वगैरह कुछ भी करते हैं, दो चीज का जरूरी होना है तो धर्म पत्नी मोहर। ब्रह्मा की पहली पत्नी है सामर्थ्य माता, दूसरी पत्नी है वेद माता गायत्री, जो गायत्री मंत्र बोलते हैं। हवन में जरूर जाते हैं सामर्थ्य माता को, तो ब्रह्मा जी उसकी शरीर जाते हैं गायत्री माता से।
तो पहली पत्नी ने श्राद्ध दे दिया कर रोज थे अपने दूसरी शरीर चाहिए, मैं आपको श्राद्ध देती हूँ पूरा वर्ल्ड में एक ही मंदिर होगा, कोई मंदिर मुझ में गृहस्थ लोग फूल प्रसाद पूजा अर्चना वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे। आपने शिव भगवान की पूजा की, विष्णु भगवान की पूजा की, ब्रह्मा की मूर्ति की कभी पूजा नहीं की होगी। ब्रह्मा की मूर्ति की पूजा गृहस्थ लोग नहीं करते हैं, पूरा वर्ल्ड में एक के मंदिर होगा, कोई मंदिर मुझ में गृहस्थ लोग फूल प्रसाद पूजा अर्चना वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे। आप लोग बाहर जाओगे, ब्रह्मा जी का मंदिर है, गुरु शंकराचार्य ने मंदिर बनाया था 2000 वर्ष पहले, वो बाहर है, वहाँ पर फूल प्रसाद पूजा अर्चना वगैरह कुछ भी नहीं होती। अपने ऐसे जो साधु संन्यासी लोग होंगे जो मंदिर मूर्ति का फूल प्रसाद चढ़ेंगे, जो ग्रस्त बाल बच्चों लाएगा, जल को मानेगा, जल के मान्यता करेगा, अपने परिवार का सुख शांति के लिए फूल प्रसाद चढ़ा के मंदिर का दर्शन करेंगे। यहाँ पे मुख्य दो कार्य से आते हैं, कोई परिवार में माता पिता दादा दादी नाना नानी सास ससुर भाभी को भी गुजर जाता है, सात कुल का पिंडदान होता है। भगवान श्री रामचंद्र ने यहाँ पर दशरथ जी का पिंडदान करा वाले से। दूसरा क्या मिला कुछ आता है पुण्य पुण्य के लिए, एक चिलेटी की दुकान है, 10 रुपये का प्रसाद का थाली मिलता है, ब्राह्मण द्वारा चढ़ाया जाता है, 5 मिनट का समय लगता है, दान दर्शन अपनी श्रद्धा का है। बावन घाट है, उस घर में छोटे मोटे एक जहाँ मंदिर है श्री मंदिर, कोई मंदिर मूर्ति में फूल प्रसाद पूजा अर्चना कहीं नहीं होती। यहाँ पर चिलेटी बनी है जो दोनों छोड़े देते जो माता पिता नाम चलता है, पूर्व प्रसाद अशुद्ध वगैरह मिलती है। गंगा हरिद्वार सत्योतों की माता है, प्रया इलाहाबाद जो कुंभ रखता है, वो सब पंडितों का राजा है, ये सब तीर्थ गुरु हुआ है। गंगा जाए गोमती जावे सब तीर्थ करावे, एक जहाँ पुष्कर जी नहीं आवे नन्न मुक्ति पाओगे, अन्यथा चाओ धाम की यात्रा करके आइए, यहाँ नहीं आओगे आपकी यात्रा सफल नहीं है। मनमर उपरम पुष्करम जो भगवान जी का जो रूप है स्वरूप है एक जल है। अजमेर में जाके ख्वाया साहब दरगाह भी जाके आएंगे, कब जाएंगे ख्वाया साहब भी यहाँ पे आके फूल प्रसाद चढ़ा के जो मंगत मांगती है, तो चढ़ाने के लिए गुलाब पीने के लिए जल, जो चढ़ाने के लिए जो गुलाब जाती है वो 99% पुष्कैसे जाती है, वो पीने के लिए दरगाह में जल जा रहा है वो यहीं से जाता है। अब आपकी भावना वानी सुख शांति के लिए, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए यह प्रसाद चढ़ाया जाता है, कोई मंदिर मूर्ति में प्रसाद नहीं चलता है, 10 रुपये का प्रसाद का थाली है, मियाँ देख के मनोकामना मांगी जाती है, मंदिर मूर्ति में फूल प्रसाद पूजा अर्चना वगैरह कुछ भी नहीं होता है, वहाँ पर केवल हाथ जोड़ के दर्शन करके इधर की तरफ लौट जाना है, जो मान्यता है जो चमत्कार है वही जल का ही है। तो ये पवित्र पुष्कर सरोवर जिसमें टोटल 52 घाट है, और जैसे कि अभी हमें बताया 1000 छोटे बड़े मंदिर हैं पूरे पुष्कर में। पुष्कर के इस सरोवर पे आप पूजा अर्चना कर सकते हैं, और यहाँ पर दान पुण्य भी आप अपनी श्रद्धा अनुसार करें, किसी के कहने और जोर डालने पर उनके अनुसार ना करें। और अब हम आप पहुँचे हैं सरोवर के नज़दीकी बने इस विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी के मंदिर में, जो कि इकलौता मंदिर है पूरे विश्व में ब्रह्मा जी का। पहुँच गए हैं अब इस मंदिर के बिल्कुल अंदर, और इसके बाद यहाँ से फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, तो मैं आपको अंदर का वीडियो नहीं दिखा सकता, तो मैं जाता हूँ और करता हूँ पहले दर्शन मंदिर के, फिर चलते हैं आगे। ब्रह्मा जी के मंदिर के हमने दर्शन कर लिए हैं, और उनको मिले श्राप के अनुसार इस मंदिर में कोई फूल प्रसाद नहीं चढ़ता है। मंदिर देखने के बाद अब हम आप पड़े हैं यहाँ की लोकल मार्केट में, जो कि काफ़ी बड़ी और काफ़ी अच्छी मार्केट है पुष्कर की। आप यहाँ पे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के लिए कर सकते हैं खूब सारी शॉपिंग पुष्कर में। इसके अलावा आप रंगजी मंदिर, सावित्री माता मंदिर और डेजर्ट सफारी का भी मज़ा ले सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल पे वी ट्रिप व्लॉग्स को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जगह और किसी नई डेस्टिनेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।